हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड में तीन मशहूर कुमार भाइयों अशोक कुमार, अनूप कुमार और किशोर कुमार की जोड़ी की हैरान करने वाली मौत के बारे में बताने जा रहे हैं। चौंकाने वाली बात है कि तीनों भाइयों की मौत दर्दनाक हुई और मौत का पैटर्न भी एक जैसा रहा। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी सिनेमा के लीजेंड एक्टर अशोक कुमार की। दादा मुनि के नाम से फेमस अशोक का असली नाम कुमुदलाल गांगुली था। अशोक उस समय हीरो बने थे जब बॉलीवुड में काम करना अच्छा पेशा नहीं समझा जाता था। अशोक कुमार के हीरो बनने की खबर मिलते ही उनके घर खंडवा में कोहराम मच गया था। उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। जैसे ही ये खबर उनके होने वाले ससुराल में पहुंची तो उनकी शादी तक टूट गई थी। वैसे अशोक कुमार के हीरो बनने की कहानी भी बहुत दिलचस्प थी। उस जमाने की मशहूर एक्ट्रेस देविका रानी के हीरो सेट से भाग गए थे। अचानक डायरेक्टर की नजर अशोक कुमार पर पड़ी और उनको अशोक पसंद आ गए और डायरेक्टर ने उनको ही देविका का हीरो बना दिया। फिर तो अशोक ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। 300 फिल्मों में अपनी एक्टिंग का हुनर दिखाने वाले अशोक कुमार का अंत बहुत दर्दनाक रहा। सफलता मिलने के साथ ही अभिनेता बहुत शराब पीने लगे थे। कम उम्र में ही उनको अस्थमा की गंभीर बीमारी हो गई थी। इस वजह से वो सांस लेने में बहुत परेशानी झेला करते थे। इसी बीच उनको दिल से जुड़ी बीमारी भी हो गई, जिसके बाद उनकी हालत काफी खराब रहने लग गई थी। 10 दिसंबर 2001 को अचानक उनके हार्ट ने काम करना ही बंद कर दिया। हार्ट फेलियर से अशोक कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। कुमार भाइयों में सबसे छोटे भाई किशोर कुमार थे। वो एक्टर के साथ ही मशहूर गायक के रूप में भी फेमस हुए। किशोर की दर्दनाक मौत का पैटर्न भी अपने बड़े भाई जैसा ही था। चलती का नाम गाड़ी, पड़ोसन जैसी फिल्मों से एक्टर के रूप में फेमस हुए किशोर जब गायक बनकर उभरे तो उनकी टक्कर का सिंगर हिंदी सिनेमा में मौजूद ही नहीं था। आराधना फिल्म का रूप तेरा मस्ताना गीत गाकर तो वो युवा दिलों की धड़कन बन चुके थे। किशोर कुमार शराब और सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया करते थे। 4 शादियां करने वाले किशोर कुमार की दर्दनाक मौत बस 58 साल में ही हो गई थी। उनको दिल की गंभीर बीमारी ने घेर लिया था। हेल्दी लाइफ जीने वाले किशोर को लगा ही नहीं था कि वो 58 साल में ही मौत के आगोश में चले जाएंगे। 13 अक्टूबर 1987 के दिन वो अपनी पत्नी से हंसी मजाक कर रहे थे। इसी दौरान उनके सीने में तेज दर्द होने लगा। जब तक घर वालों ने डॉक्टर को बुलाया तब तक किशोर कुमार तड़प तड़प कर घर पर ही मर गए। उनको अस्पताल तक पहुंचाने का समय नहीं मिल पाया था। इत्तेफाक देखिए, जिस दिन किशोर की मौत हुई उसी दिन उनके बड़े भाई अशोक कुमार पैदा हुए थे। अब किशोर भाइयों में मझले भाई अनूप कुमार की बुरी मौत की जानकारी भी देते हैं। अनूप ने 1950 में फिल्म गौना से करियर की शुरुआत की थी। देख कबीरा रोया, चलती का नाम गाड़ी, प्रेम पुजारी और अमर प्रेम जैसी कई फिल्मों में एक्टिंग के बाद भी वो अशोक और किशोर जितने फेमस नहीं हो सके थे। वैसे तीनों भाइयों में सिर्फ अनूप ने ही संगीत सीखा था। दोनों भाइयों जैसा ही मौत का पैटर्न अनूप कुमार का भी रहा। अनूप उम्र बढ़ने के साथ काफी बीमार रहने लगे थे। इसी दौरान उनको अपने दोनों भाइयों की तरह हार्ट की गंभीर बीमारी ने घेर लिया था। साल 1997 को उनकी हालत बहुत खराब हो गई। घर वालों ने अनूप को मुंबई जुहू के अस्पताल में भर्ती करवाया। यहां उनकी हालत और बिगड़ती गई। 20 सितंबर को उनको एक के बाद एक 3 दिल के भयंकर दौरे पड़ गए। इसके बाद चौथा हार्ट अटैक आया और उनके दिल ने काम करना ही बंद कर दिया, जिससे अनूप की दर्दनाक मौत हो गई। दोस्तों, आपको इन तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा किसकी एक्टिंग पसंद थी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।